नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक वीडियो लेकर आया हूं मैं। इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमारे जो देश का फेवरेट गेम है यानी कि क्रिकेट, उसने देश को आज़ाद कराने में क्या रोल प्ले किया है। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बात मान के चलिए कि जो आज़ादी मिली है और जो हम पूरा पढ़ते हैं, खासकर आईएएस पीसीएस में जो इतिहास पढ़ते हैं, कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं, भगत सिंह, बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, दोस्तों चीज़ें एक दिन में नहीं बदलती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, चीज़ें एक दिन में नहीं बदलती हैं, सब चीज़ें एक दूसरे इंस्पायर्ड होती हैं, कहीं ना कहीं हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और तब चीज़ें बदलती हैं। और बदलने में इसीलिए 50 साल, 70 साल, 100 साल का समय लग गया आज़ादी मिलने में, क्योंकि इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ों से इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है। तो आज एक मैं वो किस्सा बताऊँगा जिसके बाद से पहला तो क्रिकेट किस तरह से पॉपुलर हुआ हमारे देश में वो जान पाएंगे आप, और दूसरा क्रिकेट की वजह से फिर देश को आज़ादी में क्या सहयोग मिला ये जान पाएंगे। दोस्तों अनअकैडमी में पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर कई तरह के वीडियोस वगैरह मैं देता हूँ। अनअकैडमी पर पहुँचने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट के थ्रू भी मुझसे पहुँच सकते हैं मेरे पास। अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में आप लोगों को अपना वो लिंक भेजूँगा, तो वहाँ पर आप उसको क्लिक करके आप मेरे वीडियोस तक पहुँच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले शुरू करने से पहले दोस्तों आपको ये बताऊंगा कि ये जो जो ये लेक्चर्स हैं, एक रामचंद्र गुहा की किताब है कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, एक बहुत वर्ल्ड फेमस किताब है, वहाँ से थोड़े से इंस्पायर्ड हुई है। वहाँ से इस किताब को पढ़ने के बाद कुछ चीज़ों को मैंने अपनी तरफ से ऐड करके ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। तो किताब बहुत अच्छी है, आप नेट पर सर्च करके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। किताब इंग्लिश में है, ए कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड ये किताब का नाम है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई भी स्पोर्ट्स हो, और ब्रिटेन ने तो बहुत सारे स्पोर्ट्स दिए हैं, सिर्फ बास्केटबॉल को छोड़ के ब्रिटेन ने लगभग सारे गेम की जननी भी ब्रिटेन है। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, टेनिस हो गया, ये सब गेम ब्रिटेन ने सब दुनिया को दिए हैं। अब जब क्या होता है, जब ब्रिटेन जब साम्राज्यवाद पे अपने चरम पे था और ब्रिटेन दुनिया भर के देशों पे कब्जा कर रहा था, तो उसके सैनिक जाते थे, मान लो कुछ सैनिक ब्रिटेन से इंडिया भी आए या कहीं और अफ्रीका गए, अमेरिका भी गए, तो क्या होता है जब जाते थे तो अपने साथ वो कल्चर और स्पोर्ट्स भी साथ लेके जाते थे। खेलना बहुत पसंद था उनको, पढ़ना बहुत पसंद था। हुआ यह कि कई बार सिर्फ पढ़ के और उन देश के एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में जाना उन्होंने, तो ब्रिटिश लोगों की पढ़ाई में बहुत शौकीन होते हैं और खेल के बहुत शौकीन थे, अपने साथ गेम ले गए। आप देखोगे कि जितने भी गेम हैं, मतलब जितने भी गेम में सबसे पहले कोस्टल इलाके पे, मतलब जो तटीय इलाका होता है वहाँ पे खेले गए। इसका मतलब है कि सबसे पहले पहुँचते थे वहाँ के, क्योंकि सब एक शिप ब्रिटिश लोगों का शिप आया, कोस्टल इलाके पे पहुँचा, वहाँ पे सबसे पहले उसी इलाके पे कब्जा करते थे और उसके बाद वो बाकी अंदर जाते थे, जब जीतते थे तो अंदर जाते थे, खेलते थे। सबसे पहले स्पोर्ट्स आपका स्टार्ट हुआ है वो कोस्टल इलाके में शुरू हुआ है। अब उसी का क्या हुआ कि जब, तो इसीलिए कहा था कि जितने भी अर्ली रिकॉर्ड बने हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं क्रिकेट को लेकर, चाहे पहले हैट्रिक हो, पहले गेम का टाई होना हो, पहली सेंचुरी मारनी हो, कितने भी सब चीज़ें हो, ये सब के सब आर्मी वाले लोगों से रिलेटेड हैं। जितने भी आर्मी लोग थे उन लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया और ये वहाँ से रिलेटेड रही हैं। तो क्योंकि सबसे पहले कोस्टल इलाके में सब ये आर्मी के लोग ही खेला करते थे, तो इसीलिए जितने भी चीज़ें हैं वो आर्मी से जुड़े हुए रिकॉर्ड हम देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि ब्रिटेन के बाद जो सबसे पहला कोई क्लब बना क्रिकेट को लेकर, वो 1792 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब बना है, और जो आज भी एक्टिवेट है, आज भी ये एक्टिवेट है, आज भी चलता है, कलकत्ता क्रिकेट क्लब फाउंडेड इन 1792। ये समझिए हमारे क्रिकेट की जड़ें कितनी पुरानी हैं। ब्रिटेन के बाद कोई स्टार्ट हुआ सबसे पहले वो इंडिया में ही स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, पहले तो देखिए क्या होता है कि जब इंग्लैंड वाले लोग इंडिया आए तो उनको लगा, वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो क्रिकेट सिखाएं इंडियंस को। उनको लगता था कि यार ये इंडियंस क्रिकेट नहीं सीख सकते, ना उनको बैटिंग करनी आती है, ना बॉलिंग करनी आती है, ठीक सॉरी ना बैटिंग करनी आती है, ना फील्डिंग करनी आती है। लेकिन एक चीज़ में बड़े इंडियंस ठीक थे, वो बॉलिंग में थे, क्योंकि उस समय घुमा के हाथ नहीं फेंकना पड़ता था, सीधे बॉल फेंकना पड़ती थी। घुमा के हाथ आपका 1970-75 के दौर में आया है, जब आपको हाथ घुमा के बॉल फेंकनी होती थी, पहले ताकत से बॉल खाली खींच के मारनी होती थी। तो
अंग्रेजों को लगता था कि इंडियंस खाली इस चीज़ में ठीक है, इनको बॉल फेंको। और वैसे भी देखिए जो राजा महाराजा थे या अंग्रेज थे वो बैटिंग करना ज़्यादा पसंद करते थे, बॉलिंग करना पसंद नहीं था उनको, फील्डिंग में धूप में फील्डिंग करना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये चीज़ वो करा। दूसरी बात, इंडियंस भी कोई क्रिकेट खेलने को शौकीन नहीं थे बहुत, उनको क्या क्रिकेट तो उनको वैसे समझ में नहीं आता था, क्योंकि इन क्रिकेट में बहुत टेक्निकलिटी होती है, आप उसमें कई शब्द होते हैं, जैसे कि आप आज भी बहुत दिक्कत है क्रिकेट समझने के लिए, आज भी बहुत दिक्कत आती है जो जिनको क्रिकेट कभी जिन्होंने खेला नहीं हो या लेडीज़ हो घर की, उनको क्रिकेट आज भी समझ नहीं आता LBW क्या होता है, हाफ बॉली क्या होती है, यॉर्कर्स क्या होती है, ये सब पल्ले नहीं पड़ता था उस समय। और इंडियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे क्रिकेट को सीखने में भी। तब ऐसा क्या हो गया कि इंडियंस सीखना शुरू कर दिया उन्होंने क्रिकेट को। तो इससे पहले चीज़ें कुछ बताना ज़रूरी है कि जैसे कि क्रिकेट चूँकि अंग्रेज़ लोग नहीं सिखाना चाहते थे और अपने उस पर खेलते थे, तो उसी दौर में सोशल क्लब्स बनना शुरू हुए। अब क्लब्स की जो कल्चर होता है, इसमें होता क्या था कि लोग कुछ लोग एक क्लब का फॉर्म करते थे और फ्री टाइम में वो पढ़ते थे, गेम्स खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, और इतना ज़्यादा वो उस क्लब को लेकर इमोशनल अटैच्ड होते थे कि रिटायरमेंट के बाद भी वो इंग्लैंड नहीं आते थे, वो इंडिया में रहे हैं और क्लब के मेंबरशिप लेके फुल टाइम क्लब में इन्वॉल्व हुए। उनका रिक्रिएशन के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए बहुत वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था। तो क्लब कल्चर बहुत रहा। अब क्लब ने ही चीज़ें आगे डेवलप की हैं। उसी क्लब में आता है बॉम्बे जिमखाना। बॉम्बे जिमखाना आज भी आप गूगल कर दीजिएगा कि बॉम्बे जिमखाना क्लब है, मैदान है। और यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो समझिए जिमखाना क्या है। देखिए जिमखाना असल में एक शब्द है जो गेंद खाना से आया है। गेंद खाना मतलब बॉल हाउस, वहाँ से जिमखाना आया है। जिमखाना शब्द बना और वो एक मैदान है जो जहाँ पे लोग खेला करते थे, मतलब एक टाउन के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जिसपे लोग क्रिकेट खेल सकते थे, कई टीमें उस समय खेलता करती थी। तो ग्राउंड तरह का है वो, जहाँ से बाद में बड़े बड़े हुए। और बॉम्बे जिमखाना ऐतिहासिक ग्राउंड है, अभी इसी से पता लगेगा कि इसने देश की आज़ादी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर जो सबसे पहले क्रिकेट जिन्होंने खेलना शुरू किया वो थे पारसीज। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पारसी लोगों ने सबसे पहले गेम खेलना शुरू किया। क्यों खेलना शुरू किया? देखिए पारसीज एक रईस कौम रही है, ठीक है, जनसंख्या उनकी कम रही है, लेकिन उनका इंटरेक्शन अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा था। वो व्यापारी थे, वो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, कमीशनर जो कमीशन खा के काम करते थे वो लोग थे। तो इनका इंटरेक्शन अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा था। और इसको देखा है, देखिए वो लोग उन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की, उन्होंने उनसे चीज़ें लेना स्टार्ट की, वो गेम खेलना शुरू किया। तो सबसे पहले जो टीम, इंडियन टीम, भारतीयों की टीम जो गई थी इंग्लैंड दौरे करने, वो पारसियों की टीम गई थी। सबसे पहले जिस कौम ने खेलना शुरू किया वो था जोरोस्ट्रियन, यानी कि पारसीज, जो कि पर्शिया से आते हैं। पर्शिया वहाँ पर जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद इंडिया की तरफ वो माइग्रेट करते हैं और यहाँ पे आके रिच होते हैं, अमीर होते हैं। इनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पारसीज में आप देखोगे देश की आज़ादी में दादाभाई नौरोजी हो गया, फिरोज शाह मेहता हो गया, ये सब पारसीज थे जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। टाटाज हो गए, वादियाज हो गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। अब पारसियों ने क्या किया कि पारसियों ने एक ओरिएंटल क्रिकेट क्लब नाम का एक क्लब बनाया, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, 1848 में, कितना पुराना है, ठीक है। और इसको सपोर्ट किया टाटाज ने, वाडिया ने, सब ने सपोर्ट किया, पैसे देते थे खेलने के लिए, महीने का एक आना दो आना मिलता था कि आओ खाले क्रिकेट खेलो। तो इस तरह से ओरिएंटल क्रिकेट क्लब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब पारसीज भी धीरे धीरे, अब ठीक है इक्विपमेंट्स उतने अच्छे नहीं थे उनके पास सामान उतने मजबूत नहीं थे, तो जो ब्रिटिशर्स खेलते थे तो उसका ही कॉपी कर लेते थे ये लोग, जो बल्ले का, पैड का, ग्लव्स का कॉपी करते थे और लोकल लेवल बनवाते थे। लेकिन पारसीज ने एटलीस्ट खेलना शुरू कर दिया था। अब पहला पारसी कौन था ये तो रिकॉर्डेड नहीं है कि किसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, लेकिन पहला हिंदू, रिकॉर्डेड हिंदू जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया वो था रामचंद्र विष्णु नवेलकर। ये रिकॉर्डेड है जिस बंदे ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, रामचंद्र विष्णु नवेलकर नाग बंदा, 1861 में उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। ये पहला हिंदू है। जोरोस्ट्रियन, पारसी अलग धर्म है दोस्तों, ठीक है, हिंदू धर्म नहीं माना जाता, वो पारसी धर्म अलग धर्म है। तो पहला हिंदू कौन था? रामचंद्र विष्णु नवेलकर, जिसने 1861 में पहली बार क्रिकेट खेलना शुरू किया। अच्छा हुआ क्या कि पारसी खेल रहे थे और धीरे धीरे फिर हिंदू क्लब भी बनना शुरू हो गया। पारसियों के क्लब तो बन ही रहे थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनसे इंस्पायर हो गए स्कूल लेवल पर या पर छोटे छोटे क्लब्स बनना शुरू हो गए। लेकिन अभी भी जो पारसी क्लब थे वो हिंदुओं से बहुत आगे थे, वो एडवांस हो चुके थे। हिंदू अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पर काम कर रहे थे और वो लोग थोड़ा सा खेलना फिर भी शुरू कर दिया था। फिर एक कॉन्ट्रोवर्सी घटी जब जिमखाना स्टेडियम में, जब
वहां पर लोग पोलो खेलने आ गए। अब पोलो खेलने का मतलब है कि घोड़े दौड़ेंगे मैदान के ऊपर। ये कौन थे? ब्रिटिशर्स लोग थे जो घोड़े दौड़ा के पोलो खेलते थे। इसमें क्या होता है, बॉल का पीछा किया जाता है और घोड़े पे आप दौड़ते हैं और बॉल को पकड़ते हैं और मारते हैं, गोल करते हैं। अब पोलो चलो ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ, ग्राउंड खराब हो गया। ग्राउंड खराब होने से क्या, पिच खराब हो गई। पिच खराब होने से बहुत चोट लगना शुरू हो गई। तो इस मुद्दा काफी गर्म हो गया, क्योंकि जो पोलो खेलने वाले थे वो ब्रिटिशर्स थे, क्रिकेट खेलने वाले इंडियंस थे। तो मामला काफी गड़बड़ हो गया। और वहां पे फिर एक बंदा आता है जो सपोर्ट करता है, वो था दादा भाई नरोजी। आपने इनको सुना होगा, पढ़ा होगा दादा भाई नरोजी को, जिन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब वो क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, जैसे मैंने आपसे कहा फंडिंग वंडिंग होती मिलती रहती थी पारसियों को। तो दादा भाई नरोजी के पास ये रिक्वेस्ट पहुंची, पाप दादा भाई नरोजी ने स्पेशली इस केस को आगे फॉरवर्ड किया। जो मेयर थे, जो उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको ये बात पहुंचाई कि देखिए यहाँ पे पारसी लोग क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, इसलिए इनको पूरा वो मिलना चाहिए जैसे कि क्रिकेट खेल सकें, पोलो खेलेंगे तो दिक्कत होगी। तो धीरे धीरे ये हुआ कि उनकी बात मानी गई और पोलो को फिर बैन कर दिया गया। ठीक है, और पारसी का एक पेपर, दादा भाई नौरोजी का एक पेपर और था, राष्ट्र गोफ्तार एक पेपर है जो दादा भाई नौरोजी निकालते थे। इस पेपर ने और दादा भाई नौरोजी इंडिविजुअली, इन दोनों ने, मिल के इस केस को कि कौन क्रिकेट खेलेगा कि पहले पोलो खेलेंगे, इस किस्से को बहुत ज़्यादा उन्होंने अवेयरनेस फाई इस बात को लेकर। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पारसी थे वो क्रिकेट खेलने लगे और यूरोपियन पोलो खेलने लगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि बहुत ही गहराई वाली बात है कि देखिए, जो अंग्रेज थे वो एक ऐसा गेम खेल रहे थे जो एशिया से ऑरिजिनेट हुआ था, यानी कि पोलो जो था वो ईरान और इधर के देशों से बना है। तो ब्रिटिशर्स ऐसा गेम खेल रहे थे जो एशियन था, और इंडियंस यानी नेटिव्स ऐसे देश ऐसा गेम खेल रहे थे जो ब्रिटेन का गेम हुआ करता था। तो एक तरह से क्रॉस कल्चरिज्म हुआ, क्रॉस कल्चर आपस में एक दूसरे से क्रॉस कर रहे थे। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों, धीरे धीरे इनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। तो अपने आप में ये चीज़ें धीरे धीरे एक दूसरे को समझ रहे थे, खासकर पारसी लोगों का जो डर था, जो भय था, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर 1886 में पहली बार पारसियों की टीम इंग्लैंड खेलने गई, और वहाँ पर जाके उन्होंने छोटे छोटे क्लबों से और टाउन के क्लब से मैच खेले। और ये जो दो उसमें 31 मैच खेले उन्होंने, और जिसमें से पारसी जो 8 ही मैच जीत पाए और लगभग सारे मैच हारे थे वो लोग, बहुत लॉस भी हुआ पारसियों को इसमें। लेकिन एटलीस्ट इसने एक ऐसा एक सेटअप कर दिया कि यार इंडियंस भी क्रिकेट खेल सकते हैं और जा सकते हैं। तो पारसी लोग थे वो जो बाकी हिंदू और मुस्लिम लोगों से बहुत आगे थे, कम से कम क्रिकेट के मामले में तो बहुत बहुत आगे थे। ठीक है, फिर हुआ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, वो 1889 का वर्ष था, जिसमें मैच रखा गया पारसियों के बीच में, मिलेगा ओरिएंटल क्लब क्रिकेट क्लब और बॉम्बे जिम खाना क्लब। अब बॉम्बे जिम खाना क्लब में सब अंग्रेज थे, और पारसी जो पारसियों का जो वो टीम थी जिसका ओरिएंटल क्रिकेट क्लब था, उसमें सब पारसी थे। मैच होता है, ज़बरदस्त मैच होता है, टेस्ट मैच होता है, 2 इनिंग का मैच होता है। और होता क्या है कि इसमें पारसियों ने बॉम्बे जिम खाना टीम को हरा देती है, जो कि अभी तक की असंभव समझा जा रहा था कि पारसी लोग कभी या इंडियंस कभी हरा पाएंगे ब्रिटिशर्स को। तो ये पहली बार ऐसा होता है कि पारसी लोग इनको हरा देते हैं, और हराने से क्या होता है कि इतना ज़्यादा खुशी व्यक्त करते हैं जो युवा पारसी थे, वो क्या करते हैं कि खुशी के मारे अपने कैंप में ज़ोरास्ट्रियन फ्लैग, जो उनके धर्म का फ्लैग, उसको उसका होस्टिंग कर देते हैं, मतलब कि फैला फहरा देते हैं। बड़ा मामला गड़बड़ हो गया था कि अरे यार ये दिक्कत हो जाएगी। तो जो बड़े वह पारसी होते हैं, जो बड़े पारसी थे, वो भाग भाग के आते हैं, कहते नहीं नहीं ये झंडा उतारो और यूनियन जैक का यानी इंग्लैंड का झंडा लहराओ, क्योंकि इससे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अपनी लॉयल्टी दिखाना था। लेकिन चीज़ें अब चेंज होना शुरू हो गई थी, कॉन्फिडेंस अब आना शुरू हो गया था। पारसी लोग पहली बार क्रिकेट के मैदान में जब अंग्रेज़ों को पिछाड़ा, तो उसके बाद से एक अजीब सा मोटिवेशन उनके अंदर आना शुरू हो गया। और जो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है किसी चीज़ में, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे मैटर करता है, लेकिन ये छोटी सी जीत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया बाद के आने वाले वर्षों में। कुछ जो पारसी थे उन्होंने कहा कि ये कि जब ये जीते लोग, तो बहुत सारे पारसी ऐसे थे जो जिनको उन्होंने कहा कि दैट ही वॉज द विक्टर ऑफ द विक्ट
विक्टर्स ऑफ वाटरलू, वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी उसमें कौन जीता था, ब्रिटिश जीते थे, तो हमने उनको हरा दिया, जितने वाटरलू जीता हमने उनको हरा दिया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम बहुत ऊपर हैं। कुछ एक ज़ोरोस्ट्रियन ने बोला कि नहीं ये तो बदला है, नाहवंद हैज़ बीन अवेंज्ड, मतलब कि जो नाहवंद में जो बदला हुआ था, मतलब जिस उस 1941 में अरबों ने पारसियों को हरा दिया था नाहवंद में, तो उस हार का, उस चीज़ का बदला था जो अब उन्होंने 1889 में लिया था। तो इस तरह के इमोशंस व्यक्त किए जा रहे थे, कॉम्युनल कॉम्पिटिटिवनेस आ गया था, मतलब कि अब चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे थे। अब ऐसा नहीं था कि जो काले हैं वो लोग इन्फीरियर हैं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस जीत ने, इस क्रिकेट की जीत ने ये प्रूफ कर दिया कि हम तुम्हें तुम्हारा ही गेम में हरा सकते हैं, ये जो फीलिंग थी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब जब ये हारते हैं ये लोग ब्रिटिशर्स, तो इनको लगा था कि सिर्फ ये क्रिकेट ग्राउंड तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये चीज़ फैलेगी, तो इस चीज़ को रोकने की, इस खबर को रोकने की भी कोशिश की गई, और लेकिन ये खबर फैलती है और जो नए लोग होते हैं, देखिए कांग्रेस 1885 में आई है, ये खबर है 1889 की, कांग्रेस बस बन रही है, पैदा हो रही है, कोई बहुत बड़ा रोल अभी इसने पहले नहीं करना स्टार्ट किया है, लेकिन इसी बीच में पारसी हरा देते हैं, तो ये सब कॉन्फिडेंस उनको कांग्रेस को मिलता है, जो कांग्रेस बाद की लड़ाई में इनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं, अगर हम उनको उनके ही गेम में हरा सकते हैं तो हम इनको अपने देश से बाहर भी कर सकते हैं। तो एक तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो गया, जो बात के दौरों में बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, कांग्रेस में भी कौन थे भाई, कांग्रेस में भी पारसी लोग तो थे, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, यही सब तो कांग्रेस ही थे, और कौन था उस समय। तो ये सब चीज़ें जब हुई, जब पारसियों को कॉन्फिडेंस मिला, तो वो जो पारसियों का जो कॉन्फिडेंस जो क्रिकेट ग्राउंड में मिला था, वो ट्रांसफ़र हुआ कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस ने फिर आज़ादी की लड़ाई और बेहतर तरीके से लड़ पाए। तो ये देखिए कि क्रिकेट ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे देश की आज़ादी में। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा, ये कहानी छोटा सा किस्सा है, ऐसे किस्से भी और आएंगे तो मैं आपको हर छोटे छोटे किस्से बताता रहूँगा, मुझे लगता है बताना ज़रूरी है, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी आप सिर्फ आइसोलेशन में नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि आप गए सड़क के और फोटो स्टेट वाले नोट्स लिया और पढ़ के सोचा कि आगे स्पीसेस बन जाएंगे, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये किस्से कहानियाँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने में, क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होती है, आपके दिमाग की बत्ती खुलवाने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जिस दिन आपके दिमाग की बत्ती जल जाती है उस दिन के बाद क्वेश्चन कैसा भी आएगा, चीज़ें कैसे भी होंगी, आप उसे हैंडल कर ले जाओ, क्योंकि आपको इतना कुछ पता हो चुका होगा आज के इस वीडियो के बाद। जिन्होंने भी देखा है वो कम से कम ये समझ गया कि स्पोर्ट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आज़ादी में, कल्चर का डेवलपमेंट में क्रॉस कल्चरिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहाऊंगा दोस्तों, आप उन वीडियोस को देखते रहिएगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा। बाकी एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ दोस्तों कि वीडियो के टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं कुल 60 टेस्ट आपको दूंगा, 50 मॉड्यूल होंगे, सुबह शाम दो टाइम पे क्वेश्चंस आएंगे मॉड्यूल के रूप में, जो मतलब कि हिंदी अलग है का और रीजनिंग अलग है, जीएस अलग है, तो वो मॉड्यूल होंगे और 10 फुल लेंथ पेपर होंगे। तो इसका मतलब है कि आपको हर एक टॉपिक पर अच्छी तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी, और इसकी जो फीस है वो 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। आप मुझे 8317040152 पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, और जिनको PCS के बारे में पढ़ना है तो 18-19 दोनों के बैचेस चल रहे हैं, प्री और मेंस के बैचेस चल रहे हैं, आप वहाँ पे आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, इसी नंबर पर मुझे कॉल करना है, 8317040152 पर कॉल करना है, इसकी फीस भी 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। बाकी दोस्तों अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये किस्सा, ये कहानी कैसी लगी आपको, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे इंस्पायर करते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मैं ज़रूर कुछ और इससे बेहतर देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए सब इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।